नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजीत और स्वागत है आप सभी का आरकेजी सिविल पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज है 21 अप्रैल 2024, दिन है रविवार। आज हम द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं और चूंकि आज संडे है, संडे के दिन एडिटोरियल की छुट्टी और स्पेशल चीज़ रहती है साइंस वाली। साइंस के आज हम तीन बड़े बड़े टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। पहले नंबर का जो आर्टिकल रहेगा वो जब कभी किसी व्यक्ति को सुसाइड करना रहता है, ठीक है, तो वो क्या है, चूहा मार दवा खा लेता है। ऐसे केसेस की संख्या बढ़ती जा रही है और जो जहरीली दवा है जिसका इस्तेमाल किया जाता है चूहा मारने के लिए, रेट पॉइजनिंग जिसको बोला जाता है, उस दवाई तक लोगों की पहुंच ना हो, ऐसे कुछ कानून साउथ वाले स्टेट लेकर भी आए हैं, उनका क्या फायदा हुआ है अभी तक। दूसरे नंबर की बात यह है, इस प्रकार के मरीजों का इलाज कितना संभव है, कितने लोगों की जानें जा रही हैं। तो देखिए, इसके लिए एक तो लीवर का ट्रांसप्लांट किया जाता है, क्योंकि ये जो दवाई खाते हैं ना वो डायरेक्ट लीवर को डैमेज करती है। तो पहले नंबर की बात ये है, लीवर ही ट्रांसप्लांट कर देते हैं, या तो फिर दूसरा इलाज रहता है प्लाज्मा एक्सचेंज का। इसका मतलब ये है, मेरे ब्लड में जो प्लाज्मा है वो खराब हो चुका है, उसकी जगह पे हम दूसरा प्लाज्मा यदि चढ़ाएं तो उसका इलाज हो सकता है। सेकेंड वाला हमारा जो आर्टिकल रहेगा वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स से रिलेटेड है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स का प्रयोग क्यों किया जाता है, ठीक है, इसके यूज़ को लेकर के कौन कौन से एप्लीकेशन हैं, इसका हम कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये इंडेक्स है क्या, किसने इसको जारी किया है, इस इंडेक्स से रिलेटेड हम चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा एक और हमारा जो आर्टिकल है वो हार्ट अटैक की बीमारी से रिलेटेड है, हार्ट फेलियर से रिलेटेड है, तो इसके बारे में भी हम साइंस के अंतर्गत आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों पहले आर्टिकल के साथ में, जो कि रेट पॉइजन दवाई से रिलेट है, उसके कंज्यूमिंग से रिलेटेड है, एंड उसका क्या क्या इलाज अभी हमारे देश में संभव है। नॉर्मली देखा जाए अभी करेंटली ना 17 गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऐसे हैं अक्रॉस 15 डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट, पार्टिकुलरली हम साउथ वाले स्टेट तमिलनाडु की बात करने वाले हैं। इन 15 डिस्ट्रिक्ट में यहाँ की सरकार प्लाज्मा एक्सचेंज थेरेपी का इस्तेमाल कर रही है ताकि ट्रीटमेंट हो सके रोडेंटिसाइड इंड्यूस्ड एक्यूट लीवर इंजरी का। अब ये रोडेंटिसाइड इंड्यूस्ड एक्यूट लीवर इंजरी क्या होती है, तो रोडेंटिसाइड चूहा मारने की जो दवाई है जिसके चलते चलते एक्यूट लीवर इंजरी हो गई है, एक्यूट लीवर फेलियर हो गया है, उसका इलाज किया जा रहा है प्लाज्मा एक्सचेंज मेथड के माध्यम से। अब नॉर्मली देखा जाए ना, यदि कोई व्यक्ति घर में कुछ भी नहीं है आत्महत्या करने के लिए, तो वो क्या काम करता है, चूहा मार दवा खा लेता है। इसके चलते चलते बहुत सारे लोगों की डेथ होती है हर साल। इसमें एक येलो फास्फोरस कंटेंट होता है जिसके चलते चलते हमारा जो है लीवर डैमेज हो जाता है। ये वाला पिक्चर जो आप देख रहे हैं ना, लास्ट वाला कोने में साबुन के जैसा, इसी प्रकार की रहती है। एक बार मैं भी लिया था चूहा मारने के लिए दवाई, तब से मेरे को पता है कि वो कैसे दिखती है। अब 6 महीने का सर्वे कराया गया था तमिलनाडु के कुछ डिस्ट्रिक्ट में, इसमें 6 डिस्ट्रिक्ट शामिल थे, सन 2019 की ये बात है। ये कराया गया था तमिलनाडु चैप्टर ऑफ इंडियन सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रो एंट्रोलॉजी TNISG की तरफ से ये सर्वे कराया गया था। इसमें बोला जाता है कि जो 450 पीपल ऐसे हैं जो कि सफ़र कर रहे हैं लीवर टॉक्सिटी से, ठीक है, क्योंकि इन्होंने चूहा मार दवा खा ली थी। इंजेस्टन्स वर्ड यहाँ पर यूज़ किया गया है, इंजेस्टन जिसका मतलब होता है ओरली, मतलब आप मुंह से उस चीज़ को निगल ले रहे हैं। 450 लोगों का लीवर ख़राब हो गया है, इसमें से 131 पेशेंट की डेथ हो गई है, जबकि 28 ऐसे हैं जिनको डिस्चार्ज कर दिया गया था मोरीबंड स्टेट में, मतलब गंभीर हालत में उनको छोड़ दिया गया था।
एक्सट्रापोलेटिंग इट फॉर द एंटायर स्टेट रिसर्चर एस्टिमेटेड, यदि हम इसको पूरा स्टेट वाइज ओवरव्यू निकाल करके देखते हैं तो लगभग 1584 इस प्रकार के केसेस हमको देखने को मिले थे 2019 में, जस्ट 6 मंथ में, एंड 554 लोगों की यहाँ पर डेथ होती है। वहीं यदि हम नियम कानूनों की बात करें, क्या यहाँ पर कुछ ऐसे नियम कानून बनाए गए हैं कि इस गोली दवाई की बिक्री को रोका जा सके। तमिलनाडु ने इंट्रोड्यूस किया था एक कानून ताकि कर्ब किया जा सके अनरिस्ट्रिक्ट एक्सेस ऑफ रोडेंटिसाइड जिसमें येलो फॉस्फोरस मौजूद रहता है। अब यदि किसी व्यक्ति को इस प्रकार की इंजरी हुई है तो उसका इलाज क्या है? पहले नंबर की बात यह है, दवाई से लीवर खराब हो गया है तो लीवर का ही ट्रांसप्लांटेशन कर देते हैं, ठीक है। कुछ समय पहले अपन देखेंगे जो अर्जेंट लीवर ट्रांसप्लांटेशन है ना, केवल और केवल एक ही उपाय रहता था इस प्रकार के पेशेंट्स का जिनमें एक्यूट लीवर फेलियर होता था। लेकिन बाद में हम देखते हैं प्लाज्मा एक्सचेंज, ठीक है, प्लाज्मा एक्सचेंज हम कर रहे हैं सेंट्रीफ्यूगल मेथड से। दिसंबर 2017 की शुरुआत में एक टीम थी सीएमसी वेल्यूर की, इन्होंने यूज़ किया था प्लाज्मा एक्सचेंज मेथड। इसके लिए सेंट्रीफ्यूगल मेथड का इस्तेमाल किया गया था जो कि एक सिंपल एंड बहुत ही कम एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट मानी जाती है ताकि इस प्रकार के लोगों की जानें बचाई जा सके। बताया जा रहा है कि ये इसका जो रिजल्ट था ना, ये काफ़ी इम्प्रेसिव रहा था, और ये ट्रीटमेंट किया गया था सीएमसी वेल्लूर एंड फॉलोइंग द आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेट पॉइजन इंजेशन एज ए काज ऑफ लीवर फेलियर एंड डेथ। तो जहाँ कहीं भी लीवर फेल हो रहा है, जहाँ कहीं भी डेथ हो रहा है, उस चीज़ को रोकने के लिए बेस्ट मेथड मानी जाती है। तमिलनाडु की गवर्नमेंट की यदि हम बात करें, ठीक है, तो जो तमिलनाडु एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी केयर इनिशिएटिव है ऑफ नेशनल हेल्थ मिशन, ये जो प्रोग्राम है ये चालू किया गया था ताकि प्लाज्मा एक्सचेंज का हम इस्तेमाल कर सकें 6 बड़े बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ताकि इस प्रकार के मरीजों का इलाज हो सके। सन 2022 की ये बात है, तो 2022 में तमिलनाडु की तरफ से TAIE NHM प्रोग्राम चालू किया गया था, तमिलनाडु एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी केयर इनिशिएटिव ऑफ द नेशनल हेल्थ मिशन। इन सब चीज़ों के पहले मद्रास मेडिकल कॉलेज, स्टैनली मेडिकल कॉलेज चेन्नई एंड कोयम्बटूर मेडिकल कॉलेज, ये लोग प्लाज्मा एक्सचेंज का यूज़ कर रहे थे ताकि रोडेंटिसाइड हेपेटोटॉक्सिसिटी को ख़त्म किया जा सके। वर्तमान समय में देखा जाए 17 गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऐसे हैं तमिलनाडु के 15 डिस्ट्रिक्ट में जहां पर प्लाज्मा एक्सचेंज किया जा रहा है ताकि रोडेंटिसाइड इंड्यूस्ड एक्यूट लीवर इंजरी को रोका जा सके, एक्यूट लीवर फेलियर केसेस को रोका जा सके। वहीं 2022-23 की बात करें ना, तो 1227 एक्यूट लीवर टॉक्सिटी वाले पेशेंट देखने को मिले थे रेड पॉइजनिंग के चलते चलते तमिलनाडु में। इनका ट्रीटमेंट किया गया था प्लाज्मा एक्सचेंज के माध्यम से, इनमें से 825 सरवाइव कर पाए हैं एंड इनको डिस्चार्ज कर दिया गया है। मतलब इनका जो सर्वाइवल रेट रहा था ना, वो 63.9% रहा है। वहीं यदि हम एनालिसिस करें 32 चिल्ड्रन का जो कि सीएमसी वेल्लोर से रिलेटेड है, जिनको एक्यूट लीवर और एक्यूट लीवर फेलियर था रोडेंटिसाइड इंजेक्शन से, 8 चिल्ड्रन ऐसे थे जो कि एक्सट्रीम तरीके से सीख हैं एंड ये लोग प्लाज्मा एक्सचेंज के लिए तैयार हैं। उनमें से 8 बच्चे ऐसे हैं, 8 में से 6 चिल्ड्रन ऐसे हैं जो कि सर्वाइव कर गए हैं। एक और स्टडी सामने आई है सीएमसी वेल्लोर की, ठीक है, जिसमें इंक्लूडेड किया गया है एडल्ट्स को, तो बताया जा रहा है कि 81 पेशेंट्स में थे, ठीक है, जिनको हम प्लाज्मा दे सकते हैं, 65% ऐसे हैं जो कि सर्वाइव कर जाते हैं। तो आप इस मेथड के महत्व को समझ सकते हैं। वहीं यदि हम लीवर ट्रांसप्लांटेशन वर्सेस प्लाज्मा एक्सचेंज की बात करें, तो पहले नंबर की बात यह है लीवर इतने आसानी से किसी का मिलता नहीं है, और कितना सक्सेस हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। इसके बाद यदि ट्रांसप्लांटेशन का काम हो भी गया है तो इसके बाद भी आपको थोड़ा सा सपोर्टिंग वाली चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी मेडिकल से रिलेटेड। वहीं प्लाज्मा जो एक्सचेंज मेथड रहती है काफ़ी सस्ती पड़ जाती है एंड बहुत जल्दी इलाज इससे हो जाता है।
इसके बाद नेक्स्ट वाला जो साइंस का आर्टिकल हम देखने वाले हैं वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड से रिलेटेड है। पार्टिकुलरली ये जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का कॉन्सेप्ट है ना, पहली बार प्रपोज किया गया था प्रोफेसर डेविड जेनकिन के द्वारा, ठीक है, और ये यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में पढ़ाई करते थे। सन 1981 की बात है, 1981 में इसका कॉन्सेप्ट आया था ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ठीक है, यदि किसी भी फूड की हम बात कर रहे हैं, जैसे कि हमने कह दिए मैंगो का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 60 है, इसका क्या मतलब है? ग्लाइसेमिक इंडेक्स आम का ज़्यादा है कि कम है, यदि ऐसी बातें बोलते हैं तो जिसका मतलब ये है कि हम उसमें बता रहे हैं ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना रहेगा उसमें। वो फूड की प्रॉपर्टी को बताता है कि वो फूड आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को इनक्रीज कर सकता है, एंड ये चीज़ बताता है कार्बोहाइड्रेट की क्वालिटी को। तो हमको यहाँ पर दो चीज़ें पता चलती हैं यदि हम बोलते हैं कि किसी भी फूड का, मैंगो का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 60 है। क्या बताता है? ये बताता है कि भाई ये जो फूड है ना, ये इंक्रीज कर सकता है आपके ब्लड ग्लूकोज को, एंड क्वालिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट बताता है ग्लूकोज इंडेक्स। ग्लूकोज या फिर वाइट ब्रेड बोला जा रहा है इसको, कंपेरेटर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। वहीं यदि हम जीआई इंडेक्स की बात करें, जीआई इंडेक्स ऑफ ग्लूकोज उसको हम एज ए 100 मान लेते हैं, एंड जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है अदर फूड का उसको एज ए परसेंटेज के तौर पर बताया जाता है। एग्जांपल के तौर पर लो जीआई मतलब 55 से यदि कम है किसी भी फूड को नंबरिंग तो वो लो हो गया। मीडियम मतलब 56 से 69। हाई की बात करें तो 70 से ज़्यादा यदि किसी को नंबरिंग दी जा रही है, इसका मतलब ये है कि भाई आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल ये चीज़ बढ़ा सकती है। अब ग्लाइसेमिक लोड को भी हमें समझना पड़ेगा। तो जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है इसमें अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम्ड, ठीक है, आप कितना कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करेंगे, जीआई को मल्टीप्लाइड किया जाता है किसके द्वारा? कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम के द्वारा, और यहीं से डिटरमाइन किया जाता है ग्लाइसेमिक लोड को। अब हम बात करते हैं, ठीक है, यदि जीआई की वैल्यू लो है तो वो मुझे क्या फ़ायदा पहुंचा सकता है? बहुत सारे न्यूट्रिनिस्ट लोग ऐसे हैं जो कि स्ट्रॉन्गली बिलीव करते हैं कि जो डिलेटेरियस मतलब बैड इफेक्ट है ऑफ कंज्यूमिंग डाइट्स विथ हाई जीआई, यदि आप हाई जीआई वाले फूड ले रहे हैं इसका मतलब ये है उसका बुरा असर पड़ने वाला है। यदि आप लो लेवल जीआई यूज़ करते हैं इसका मतलब ये है कि ये आपकी बॉडी को फ़ायदा पहुंचाएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि देखिए जो कार्बोहाइड्रेट रहता है इज ओनली वन ऑफ द मैक्रोन्यूट्रिएंट ऑफ फूड एंड द क्वालिटी ऑफ प्रोटीन एंड फैट आर इग्नोर्ड इफ द जीआई इज यूज्ड टू असेस द क्वालिटी ऑफ डाइट। आप केवल कार्बोहाइड्रेट अकेले से अपने फूड को नहीं बोल सकते कि ये अच्छा है कि बुरा है, आपको प्रोटीन को भी देखना है, आपको फैट को भी देखना है, आपको वसा का भी देखना, तब जाकर के आप बता सकते हैं कि भाई ये फूड अच्छा है कि बुरा है। आज के समय में जीआई एंड जीएल डाइट्स का इम्पोर्टेंस बढ़ते ही जा रहा है, ऐसा आखिर हो कैसे सकता है? तो जो जीएल है एंड जीआई है, जीएल मतलब लोड और जीआई मतलब इंडेक्स, ग्लाइसेमिक इंडेक्स एंड ग्लाइसेमिक लोड, इन दोनों के बीच में काफ़ी रिलेशनशिप हमको देखने को मिलती है। तो देखिए यदि हम लिंक करने की बात करें तो इसमें टाइप 2 डायबिटीज़ की बीमारी सामने आ जाती है रिसेंटली यदि हम देखते हैं तो। फिर भी देखा जाए ना तो अभी तक इनके बीच जो रिलेशन है एंड जो कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ है एंड मोर्टालिटी है इसके बारे में अभी तक अध्ययन नहीं किया गया है। मतलब यदि हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड की बात करें और जिसका वैल्यू ज़्यादा है क्या उसको कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ हो सकता है, हृदय संबंधी रोग हो सकता है, इसके ऊपर अभी अध्ययन नहीं किया गया है। वहीं यदि हम जीआई एंड जीएल डाइट्स की बात करें, ठीक है,
जिनको कार्डियोवास्कुलर डिसीज हो जा रहा है। इसका अध्ययन पब्लिश किया गया था न्यू इंग्लैंड पत्रिका में, ठीक है, सन 2021 में, जहां पर हमको जीएल एंड जीआई जो डाइट्स ले रहे हैं उनका सीधा सीधा संबंध दिखाई दिया था कार्डियोवास्कुलर डिसीज से रिलेटेड। इसके बाद रिसर्चर लोगों ने ये रिपोर्ट किया था, यदि आप हाई जीआई वाले फूड खाते हैं, एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर सबसे ज़्यादा हाई क्या चीज़ हो गया, वाइट राइस हो गया है, ये सीधा सीधा संबंधित है मेजर कार्डियोवास्कुलर डिसीज इवेंट से। इसमें इंक्लूड हो सकता है डेथ अक्रॉस ऑल एथनिसिटीज। ये एक प्रकार से आई ओपनिंग का काम करता है, ठीक है, रिगार्डिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ जीआई ऑफ फूड, बिकॉज अंटिल दिस स्टडी वाज पब्लिश इट वाज नॉट नोन दैट इम्पॉर्टेंस ऑफ जीआई इन एक्सटेंड बियॉन्ड द डायबिटीज। पहले हम सोचते थे कि बस डायबिटीज़ की ही बीमारी हो सकती है, लेकिन आज के समय में ऐसा पता चला है कि डायबिटीज़ के अलावा हार्ट की भी फेलियर हो सकती है, कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ हो सकता है। ये सारी जो फाइंडिंग्स हैं काफ़ी पार्टिकुलरली रिलेवेंट मानी जाती हैं, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो साउथ एशिया हो, जहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का जो कंजप्शन है ना, ठीक है, वो हाई जीआई वाइट राइस या फिर वीट के चलते चलते, ठीक है, बल्क ऑफ कैलोरीज हम कंज्यूम करते हैं, जिसके चलते चलते हमारा जो जीएल है हमारी डाइट का वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसका मतलब ये है हमें क्या काम करना है, जीआई एंड जीएल को लो करके रखना है हमारी बॉडी में। मतलब यदि हम चाहते हैं कि डायबिटीज़ को कंट्रोल करना चाहें तो हमें जीआई और जीएल से संबंधित जो फूड हैं उनके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। इससे हम कार्डियोवास्कुलर डिसीज से भी बच सकते हैं। अब आप क्या काम कर सकते हैं, आप जो भी खाना खा रहे हैं ना उसमें ध्यान रखें कि किसका जीआई वैल्यू कम है, जैसे कि ब्राउन राइस है, स्टील कट ओट है, लिग्यूम्स है, पल्सेस है, बीन्स है, कुछ फ्रूट्स हैं जैसे कि एप्पल एंड गुआवा खा सकते हैं, कुछ सब्जियां भी हैं जैसे कि पालक, सलाद, बैंगन, ब्रोकली, टमाटर, पनीर, सोया, मेवे, ठीक है, इस प्रकार की सब्जियाँ आप खा सकते हैं, सीड्स खा सकते हैं, ताकि आप लो जीआई अपनी बॉडी में डाल सकें। ऐसी कुछ खाद्य पदार्थों के हम नाम देख लेते हैं, जैसे सुगर एंड स्वीट है, वाइट राइस है, मैदा है, पोटैटो, वाइट ब्रेड, स्वीटेंड ड्रिंक्स, जैगरी, कॉर्नफ्लेक एंड कुकीज़, ये ऐसे हैं जिनमें सबसे ज़्यादा जीआई पाया जाता है, तो इन सब चीज़ों से हमको बच के रहना है। इसके बाद नेक्स्ट वाला जो हम साइंस का आर्टिकल देखने वाले हैं वो हार्ट फेलियर से रिलेटेड है, हार्ट अटैक की बीमारी को कैसे करके हम रोक सकते हैं। एंड इसमें जो आर्टेरियल फिब्रिलेशन है, आर्टेरियल फाइब्रिलेशन ये कितना योगदान देती है, इसके बारे में यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। नॉर्मली जो हार्ट फेलियर होता है वो अलग अलग स्टेज में हमको देखने को मिलता है, जैसे कि अभी आपका हार्ट रिस्क वाली कंडीशन में चल रहा है, रिस्क फैक्टर तो है लेकिन हमें कोई भी स्ट्रक्चरल चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे हैं, कोई भी सिम्टम नहीं दिखाई दे रहा है। इसके बाद आता है प्री हार्ट फेलियर, इसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस हमको दिखाई देता है हार्ट में लेकिन सिम्टम नहीं दिखा देता। फिर आ जाता है हार्ट फेलियर, ठीक, इसमें कुछ सिम्टम देखते हैं दिखाई देते हैं, जैसे कि आपको जो सांसें हैं ना वो बार बार आप लेने लग जाते हैं, दम भरने लग जाता है, आप थकने लग जाते हैं। एंड एक होता है एडवांस हार्ट फेलियर, आप ट्रीटमेंट करवाए जा रहे हैं लेकिन आपको कोई भी सिम्टम दिखाई नहीं दे रहा, कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं मिल रहा है, तो इसको बोलते हैं एडवांस हार्ट फेलियर की कंडीशन। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं एट्रियल फाइब्रिलेशन का क्या महत्व है और आखिर ये है क्या चीज़। एट्रियल फेब्रिलेशन एक हार्ट की कंडीशन होती है जिसके चलते चलते इररेगुलर एंड ज़्यादातर एबनॉर्मल फास्ट हार्ट रेट आपका दिखाई देता है, आपका दिल जोर जोर से धड़कना चालू हो जाता है। इसने इंक्रीज कर दिया है इस प्रकार के जो लक्षण हैं इसके चलते चलते 1 in 4 to 1 in 3 ओवर द पास्ट 2 डिकेड। पहले 4 में 1 लोगों को
ये बीमारी होती थी, आज के समय में क्या हो गया है, 3 में से 1 को ये बीमारी होने लगी। पास्ट 2 डिकेड में यदि हम देखें इसके लक्षणों को, तो अब हार्ट फेलियर एंड स्ट्रोक की हम चर्चा करने वाले हैं। उन सभी कंडीशनों की बात करें तो देखिए 5 में से 2 ऐसे हैं जिसमें डेवलप होते हैं हार्ट फेलियर के लक्षण ओवर देयर रिमेनिंग लाइफ टाइम, एंड 5 में से 1 ऐसे हैं जो कि इनकाउंटर करते हैं एक स्ट्रोक को विथ लिटिल और नो इम्प्रूवमेंट इन रिस्क एविडेंट एवर द 20-ईयर स्टडी पीरियड। यदि किसी भी व्यक्ति की बॉडी में एट्रियल फेब्रिलेशन डेवलप हो जाता है, ठीक है, तो जो पेशेंट केयर है ये प्राइमरी तौर पर फोकस किया जाता है कि आपको स्ट्रोक का रिस्क आ सकता है, इसके ऊपर ही आपका जो है केयर किया जाएगा। लेकिन जो कुछ अदर कॉम्प्लिकेशन है जैसे कि हार्ट फेलियर एंड हार्ट अटैक है, अभी तक इसके ऊपर कोई खास एक्सप्लोरेशन नहीं किया गया है। इन सब चीज़ों को एड्रेस करने के लिए, नॉलेज गैप को भरने के लिए वैज्ञानिक लोगों ने एनालिसिस किया है 3.5 मिलियन डेनिश एडल्ट का, ठीक है, जिनको किसी भी प्रकार से एट्रियल फेब्रिलेशन का कोई हिस्ट्री नहीं है, 45 इनकी उम्र रही है या फिर उससे अधिक वाले शामिल हैं। क्या इनमें इस प्रकार के एट्रियल फेब्रिलेशन के लक्षण दिखाई देते हैं ओवर ए 23-ईयर पीरियड, सन 2000 से 2022 के बीच में क्या इस प्रकार के लक्षण हमको दिखाई दिए हैं, इनका अध्ययन किया गया था। तो 3,62,721 इंडिविजुअल हैं, ठीक है, विथ ए न्यू डायग्नोसिस ऑफ एट्रियल फेब्रिलेशन ड्यूरिंग दिस टाइम। इसका मतलब ये है इनमें तो ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन हमको दिखाई नहीं दिया था, जिसमें 46% वुमेन थी, 54% मैन थे, एंड सब्सिक्वेंटली बोला जा रहा है इन्होंने फॉलो किया था अनटिल ए डायग्नोसिस ऑफ हार्ट फेलियर स्ट्रोक और हार्ट अटैक। फिर भी जब तक कोई लक्षण ना दिखाई दे तब तक इनकी टेस्टिंग जारी रही थी, इनके ऊपर जांच पड़ताल जारी रही थी। एट्रियल फाइब्रिलेशन का जो लाइफ टाइम रिस्क रहता है वो इंक्रीज हो गया था 24% सन 2000 से 2010 के बीच में, ये बढ़ कर के 31% हो गया 2011 से 22 के बीच में। ये जो इंक्रीज हम देख रहे हैं ये इंक्रीज पुरुषों में ज़्यादा है, ठीक है, और महिलाओं में कम है ऐसा माना जाता है, चाहे वो हार्ट फेलियर हो, हार्ट अटैक हो, स्ट्रोक हो, डायबिटीज़ हो, क्रॉनिक किडनी डिसीज़ हो, ये सारे लक्षण हमको ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं पुरुषों में। हार्ट फेल होना सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन माना जाता है, जैसे कि एकदम तेज़ी से दिल की धड़कन धड़क रही है, एट्रियल फेब्रिलेशन हो रहा है। इसके कुछ मोस्ट कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं जैसे कि हार्ट फेल हो सकता है, ठीक है, लाइफ टाइम रिस्क 41% है, जो कि स्ट्रोक से ट्वाइस माना जाता है, स्ट्रोक 21% है, हार्ट अटैक 12% है। अब कुछ पुरुष ऐसे थे जहां पर हमको हायर लाइफ टाइम रिस्क दिखाई दिया था कुछ कॉम्प्लिकेशन का एट्रियल फेब्रिलेशन होने के बाद। वुमेन का जो हार्ट फेलियर का रेट बताया जा रहा है 44 वर्सेस 33, मतलब पुरुषों में 44 है, महिलाओं में 33 है। हार्ट अटैक 12 है और हार्ट अटैक पुरुषों में 12 है जबकि महिलाओं में 10% है। वहीं यदि हम लाइफ टाइम रिस्क ऑफ स्ट्रोक की बात करें, यदि एट्रियल फेब्रिलेशन है, दिल की धड़कन तेज़ी से धड़क रही है महिलाओं में, तो पुरुषों में हमको स्लाइटली लोअर देखने को मिला है मेन में पुरुषों की अपेक्षा। इसके बाद नेक्स्ट वाली जो न्यूज़ हम देखने वाले हैं वो IRDAI से रिलेटेड है। अभी हाल फिलहाल में देखा जाए इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए IRDAI संस्था ने क्या काम किया है, हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने के लिए जो एज की कैप लगाई गई थी उसको हटा दिया है। कुल मिलाकर के अब जो कहना चाहिए इंश्योरेंस है उसमें इंक्लूसिविटी को बढ़ाने के लिए ये कदम उठाया गया है। अभी हाल फिलहाल में IRDAI का जो दिशा निर्देश जारी किया गया है इसमें क्या बोला गया है,
इसमें बोला गया है कि जितने भी हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर हैं उनको डेवलप करना पड़ेगा स्पेशलाइज्ड पॉलिसीज, ठीक है, जो कि रिलेट करती हैं सीनियर सिटीजन से, एंड इस्टेब्लिश करेंगे डेडिकेटेड चैनल ताकि एड्रेस कर सकें उनके क्लेम को एंड ग्रीवांसेस को। बूढ़े लोगों की जो भी समस्याएं हैं उनको सबसे पहले आप निपटाइए, ऐसा इरडाई का कहना है। एंड बोला गया है कि कंपनीज आर इनकरेज्ड टू डेवलप टेलर्ड प्रोडक्ट टू मीट स्पेसिफिक एज रिलेटेड रिक्वायरमेंट। साथ ही साथ जो एज रिलेटेड रिक्वायरमेंट है उनको भी पूरा करने की आशा उनसे करी जाती है। सबसे पहले इरडाई के बारे में कुछ बेसिक जानकारी हम देखते हैं। तो जो इरडाई है ये एक ऑटोनोमस स्टेटरी बॉडी मानी जाती है। इसको इस्टेब्लिश किया गया था एक एक्ट के माध्यम से जिसको इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999 बोला जाता है। इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में बनाया गया है। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत काम करती है। कंपोजिशन की बात करें तो इसमें 10 मेंबर होते हैं, एक चेयरमैन रहता है, 5 फुल टाइम मेंबर हैं एंड 4 पार्ट टाइम मेंबर रहते हैं जिनको अपॉइंट किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। एंड ये अपेक्स बॉडी मानी जाती है, सबसे बड़ी संस्था है जो कि रेगुलेट करती है, डेवलप करती है इंश्योरेंस इंडस्ट्री को हमारे देश में। तो देखिए अभी हाल फिलहाल में इस प्रकार के कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। एज की जो लिमिट थी जिसमें परचेस कर सकते थे आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज को, उसको हटा दिया गया है 1 अप्रैल से। इससे पहले ऐसा था कि जो 65 साल की उम्र है, 65 साल की उम्र चाहिए यदि आप न्यू हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदना चाहते हैं तो। इरडाई का जो लेटेस्ट कदम उठाया गया है इसका मतलब ये है जो हेल्थ बेनिफिट है वो सीनियर सिटीजन से अदर जो डाइवर्स डेमोग्राफिक ग्रुप है उनकी तरफ फैलाना है, बच्चे भी इसका यूज़ कर सकें, मैटरनिटी नीड्स को पूरी किया जा सके, इसलिए ये कदम उठाया गया है। नेक्स्ट वाली जो खबर हम देखने वाले हैं वो सिंगल यूज़ प्लास्टिक के रेगुलेशन से रिलेटेड है। सरकार का कहना है कि हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक के ऊपर बैन नहीं लगाना चाहते हैं बल्कि हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक को रेगुलेट करना चाहते हैं। कुल मिलाकर के ऐसा है कि एक तरफ तो सरकार बोलती है स्वच्छ भारत अभियान चलाती है और दूसरी तरफ कहती है कि प्लास्टिक की जो पन्नियाँ हैं वो कंटिन्यू कंपनियाँ बनाती रहेंगी, तो जब तक बनाते रहेंगी इसका इस्तेमाल भी होता रहेगा। सिंगल यूज़ प्लास्टिक के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, एग्जाम्पल के तौर पर आपने एक बार यूज़ किया और उसको फेंक दिया, दोबारा आपने कभी इस्तेमाल में ही नहीं लाया, ऐसी सारी चीज़ें जो प्लास्टिक से बनी हुई हैं वो सिंगल यूज़ प्लास्टिक के अंतर्गत आ जाती हैं। सिंगल यूज़ प्लास्टिक का ही सबसे ज़्यादा शेयर माना जाता है, हाईएस्ट शेयर ऑफ प्लास्टिक मैन्युफैक्चर्ड एंड यूज्ड, उसमें सबसे बड़ा जो भागीदारी है वो सिंगल यूज़ प्लास्टिक का ही है। शैम्पू, डिटर्जेंट, कॉस्मेटिक से लेकर के पॉलीथीन बैग, फेस मास्क, कॉफ़ी कप, ठीक है, क्लिंग फिल्म, थ्रेश बैग, फूड पैकेजिंग, एग्जाम्पल के तौर पर इतने सारे एग्जाम्पल हैं। अभी हाल फिलहाल में देखा जाए ना कुछ निगोसिएशन चल रहे हैं जिसमें 192 कंट्रीज़, ठीक है, ये आशा लगाए हुए हैं। अभी हाल फिलहाल में जो टोरंटो कनाडा है यहाँ पर कुछ रेगुलेशन आने वाले हैं, ठीक है, यहाँ पर पता चलेगा कि कैसे करके पूरी दुनिया एलिमिनेट करना चाहती है प्लास्टिक पॉल्यूशन को, लेकिन इंडिया फेवर करता है कि हम रेगुलेट करेंगे, एलिमिनेट नहीं करेंगे सिंगल यूज़ प्लास्टिक को, ये बात कही गई है, ठीक है। जो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट है इनके कुछ अलग अलग लोगों की तरफ से ये बात बताई जाती है। सन 2022 में इंडिया ने एक रूल लाया था, क्या लाया था, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल 2021, जिसने बैन किया था 19 कैटेगरी ऑफ सिंगल यूज़ प्लास्टिक को। उसमें भी बता दिया था इतनी मोटी होना चाहिए, इतनी मोटी नहीं होना चाहिए, उसमें हम बैन लगाएंगे।